लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दो पत्नियों से परेशान हुआ शख्स तो पहुंच गया जीबी रोड, फिर किया ऐसा काम कि पुलिस भी रह गई। संदेश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा का रहने वाला एक शख्स अपनी दो पत्नियों से परेशान होकर जीबी रोड पहुंच गया, जहां उसने अपनी छोटी पत्नी को बेचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भनक लगी तो शख्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद शख्स ने फिर एक खौफनाक कदम उठाया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी शख्स। जानकारी के मुताबिक आरोपित शख्स सद्दाम हुसैन मूल रूप से हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि उसकी दो पत्नियां हैं, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, इसके कारण वो काफी परेशान रह रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने अपनी छोटी पत्नी को बेचने का प्लान बनाया, इसलिए वो छोटी पत्नी को लेकर दिल्ली आ गया। ऐसे हुआ खुलासा। इधर सद्दाम हुसैन अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली आया, उधर पुलिस को भनक लग गई कि कोई शख्स अपनी पत्नी जीबी रोड में बेचने आया। पुलिस ने सद्दाम का नंबर लिया और ग्राहक बनकर उससे बात की। सिपाही अनुज ने आरोपी से महिला का सौदा 1,20,000 रुपए में तय किया और 10,000 एडवांस दे दिए। सिपाही ने उसे महिला को लेकर शिवाजी पार्क के पास मिलने बुलाया, बाकी का रकम वहीं देने की बात कही। गुरुवार को आरोपी शिवाजी पार्क पहुंचा, उसके साथ महिला नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। मारने की रच रहा था साजिश। सद्दाम ने बताया कि जब वो अपनी पत्नी को बेचने में कामयाब नहीं होता तो उसके पास हत्या का प्लान भी तैयार था। इसके लिए उसने दो शर्ट भी पहन रखे थे। उसका कहना था कि अगर एक पर खून लग जाते तो वह दूसरी शर्ट पहनकर निकल जाता। फिलहाल आरोपी सद्दाम पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।